23rd चैप्टर है, दैट्स अ क्विक समरी ऑफ द इंटायर जो भी आपने पढ़ा है, प्लस देर आर सम न्यू टॉपिक्स विच दे इंक्लूड. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द फर्स्ट 9 चैप्टर्स. द फर्स्ट 9 चैप्टर्स आर मोस्टली डीलिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड रेस्ट 10 से लेके आपका लास्ट तक मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो वेटेज देख लो आप लोग खाली, मैं 22 लिख रही हूँ एक बार के लिए, एक्चुअली 23 ही होगा, 23 में भी है. आप लोग वेटेज देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज द मोस्ट वेटेज. बट ऐसा नहीं है कि इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. अप्रोक्सीमेट जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, समटाइम्स इट्स नॉट फिक्स्ड, समटाइम्स यहां से 40 मार्क्स आ गया, समटाइम्स यहां से 60 आ गया, 50-50 आ गया, 45 आ गया, तो वैसे 45-55 कैसे भी आ सकते हैं, बट नॉट एन इक्वल ऑलवेज. बट कैसे, क्योंकि इससे एमसीक्यूज काफी आते हैं माइक्रो से, एंड क्वेश्चंस भी आते हैं. ऑन दीज क्वेश्चंस आर ऑल हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, दीज आर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो सिंस इट्स अ थ्योरी पेपर, सो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि थ्योरी पेपर है, ऐसा नहीं होगा कि आपको खाली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, सो जस्ट स्टेटिंग द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. नहीं, हो सकता है एक या दो क्वेश्चन, वन और टू क्वेश्चन हियर एंड देयर यू माइट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट अदरवाइज ऑल द लॉन्ग ऑल द शॉर्ट, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड वंस दे शिफ्टेड टू ऑनलाइन, ऑल द लॉन्ग एंड ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आर एप्लीकेशन बेस्ड एंड वन क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम वन चैप्टर. तो मेरा यहाँ पे थोड़ा CB2 में पढ़ने का तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप क्या करते थे, फर्स्ट 4 चैप्टर्स किया, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग किया, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, उसका क्वेश्चन सॉल्विंग. वैसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. मे बी फॉर द माइक्रो इट्स पॉसिबल, फॉर मैक्रो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप चैप्टर 10 से 14 पढ़ोगे एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग, बिकॉज एक क्वेश्चन हो सकता है इज टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर 11, 17 एंड 20 पॉसिबल. आपको इन तीनों चैप्टर से पॉइंट्स लेके यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो वॉट आई जनरली प्रेफर, इट्स अप टू यू, बट वॉट आई प्रेफर इन माई क्लास इज आई कंप्लीट द सिलेबस, एज इन एवरी क्लास आई एम टेकिंग द कॉन्सेप्ट and I'm teaching the entire concept, going back home you are studying the compiler, reading the compiler, and on the weekends what we'll be doing is, on the weekends I'll be doing question and answer. I will obviously mark the question and answer which belongs to that chapter, jitna humne cover kiya hai uska MCQ, short question, long question hum log solve karte hain. Main students ko bolti hu, aap log jo class mein hum kar rahe hain aap wo karo, and thode bahut extra main bata deti hu ki ye questions aap log practice kar sakte ho. Not all questions, but these are the questions which you all can प्रैक्टिस. तो वो आप लोग को करना है. वंस यू कंप्लीट द सिलेबस यू अगेन स्टार्ट रीडिंग द कंपाइलर एंड साइड बाई साइड अगेन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड आंसर. अब जब आप क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करोगे तो आपने पूरा पढ़ लिया है, तो अगर कोई क्वेश्चन में 3-4 चैप्टर आ भी रहा है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, दिस इंटायर स्ट्रेटजी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन वॉट यू हैव स्टडीड इन योर ऑल दी अदर पेपर्स. सो दैट इज वाई आई सजेस्ट क्विकली मैक्सिमम 2 months, क्योंकि हम क्लासेस में सबको साथ लेके चलना है हमें, तो 1.5 to 2 months में वील फिनिश द सिलेबस एंड रेस्ट 2 months इंटायरली क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, कंपाइलर रीडिंग, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, कंपाइलर रीडिंग, दैट्स इट. एवरी डे हाउ मच, 1.5 to 2 hours, दैट्स इट, नॉट आस्किंग मोर देन दैट. इवन ऑन द वीकेंड्स जस्ट 1.5 to 2 hours, नॉट मोर देन दैट. हाँ, कभी नहीं पढ़ा इट्स ओके, बट नेक्स्ट डे यू हैव टू कवर दैट अप. सो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर.